भाजपा ने अपनी पहली सूची में 184 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इन सभी उम्मीदवारों में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, लेकिन किसी के भी नाम के आगे उनका धर्म नहीं बताया गया है, सिवाय स्मृति ईरानी के। दरअसल पार्टी ने सूची में स्मृति ईरानी के नाम के आगे ब्रैकेट में लिखा है पारसी। अब ये सवाल उठ रहा है कि पार्टी को स्मृति का धर्म बताने की क्या जरूरत पड़ी। इस क्या पार्टी को ये लगता है कि ईरानी सरनेम से लोग स्मृति को मुसलमान ना समझ लें। खास बात तो यह है कि भाजपा ने मीडिया को जो सूची जारी की थी उसमें स्मृति ईरानी के नाम के आगे पारसी लिखा हुआ था। इस बात को लेकर लोगों ने लिखना और सवाल पूछना शुरू कर दिया। इसके बाद पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर जो लिस्ट अपलोड की उसमें स्मृति के नाम के आगे पारसी रेफरेंस हटा लिया गया। भाजपा ने सूची में स्मृति ईरानी के नाम के आगे भले ही पारसी लिखा हो लेकिन वो खुद को हिंदू मानती है। गौरतलब है कि स्मृति के पति पारसी हैं। वो पहले ही सार्वजनिक तौर पर कह चुकी हैं कि पारसी से शादी करने पर भी उन्होंने अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा है और वो अब भी हिंदू ही है। ये बात उन्होंने ट्विटर के जरिए ट्वीट कर दी थी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।